कभी कभी मुझको समझ में नहीं आता ब्लॉग को स्टार्ट कैसे करें, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्ट आप करो, खत्म हम कर देंगे। सो हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ मिस्टर एडी। सो पहली बात, आज मुझे जाना है दुर्गापुर की, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ काम है। अभी काम क्या हो तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और रहा दूसरा बात, अभी दूसरी कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो अभी तभी मुलाकात होगा जब मैं दुर्गापुर पहुंच जाऊंगा। भाई आज का सफर शुरू होता है सिटी सेंटर के मोड से। सो भाई आलम, कुछ ऐसा है कि टिकट तो मिल गया, लेकिन अभी 11 बजे का शो नहीं मिला, 12:20 को मिला है। अभी मैं जा रहा हूँ बिग बाजार, क्योंकि मुझे इसके साथ कुछ शॉपिंग भी करना है। सो आज बहुत ही ज्यादा धमाल होने वाला, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और एक खास बात, आज ट्यूजडे है, इसीलिए एक टिकट का 80 रुपए लगता है सिर्फ बायोस्कोप में। तो अगर आप ट्यू आ रहे हो मूवी देखने, तो मैं प्रिफर करता हूँ ट्यूजडे को। देखो यार, सस्ता पड़ता है, कम पैसे में ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। और भाई ये है मेरा जंक्शन मॉल का सबसे फेवरेट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर आकर मैं हर टाइम अपना गुम अप कर सकता हूँ, अपने लुक को सही कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेन या फिर बस स्टैंड में बाल पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आके थोड़ा बहुत बाल को सेट कर लेना अच्छी बात होता है। তিনটে লাচ্ছা পরোটা আর একটা পনির বাটার মশলা, তো পনির বাটার মশলা। তো ভাই মেনলি আজ কোহিদুর মা পেলি বার দেখো, পেলি বার বতাতো কি ইয়াহ কা রেস্টুরেন্ট বহুত বড়া নি হ্যায়, লেকিন ইয়াহ কা খানা বহুত হি মস্ত হ্যায়। আজ গুরু চন্দ্রমা হ্যায়, ইসিলিয়ে হাম লোগ ভেজ অর্ডার কিয়া হ্যায়। मेरा बहुत दिल कर रहा था चिकन खाने को, लेकिन कंटिन्यूसली 3 दिन चिकन खा लिया, तो आज सोचा कि चिकन को ऑफ रखते हैं और वेज की तरफ देखते हैं। तो इसीलिए चिकन बटर पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला ऑर्डर देख रहे हो आलम भाई, मुंह से भी चिकन ही निकल रहा है। तो अभी बटर मसाला बटर पनीर पनीर बटर मसाला पनीर बटर मसाला ऑर्डर दिया है, आएगा। तो भाई ये रहा हमारा लच्छा, ये रहा हमारा पनीर बटर मसाला। अभी इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं, आपको दिखा दिखा के खाते हैं ताकि आपका भूख भी बढ़े। और उसके बाद क्या, उसके बाद हम पहुंचे मूवी थिएटर, जिसका इंतजार मैं बहुत दिन से कर रहा था, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर स्पेशल 30। दिस इज जोक, स्लो स्लो इंक्रीज लव, स्लो स्लो इंक्रीज लव, क्रॉस बॉर्डर, मतलब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है।
आज से आप एक्सीलेंस के ऑथराइज सिग्नेटरी, और ये हमारी तरफ से। किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है तुम्हारे पास खोने के लिए? कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है क्या है खोने के लिए? कुछ है तुम्हारे पास? तो कहां का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहां होगा? कहां होगा? मर जाओगे? अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए। So what a movie boy! We are the last one. भाई साहब मूवी तो खत्म हो गया, और क्या धांसू मूवी था। मतलब बोले तो एकदम झकास। और हमारा कुछ फोटो शूट भी होगा अभी। यार देखो, मैं YouTube में रेगुलर ब्लॉग तो अपलोड नहीं कर पाता, लेकिन मैं Instagram में, अपने Instagram में हर वक्त स्टोरी कोई ना कुछ अपडेट कर देता हूँ। तो हो सके तो जाके वहाँ पर फॉलो मारो। Instagram ID है onlyban/Ronnie, नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप इंस्टा चेक करो। अभी एक जरूरी सूचना, मूवी देखने के बाद हर एक इंडियन बंदे का जो हालत होता है वही हालत मेरा भी था। मेरे भी सर पे कुछ हीरो का भूत सवार हुआ, इसीलिए मैंने एक शॉर्ट टाइप का वीडियो बनाया। सो अभी उसे एंजॉय कीजिए। बाय बाय। मेरे बालों का हालत देख के आपको समझ ही आ चुका होगा कि मेरा दिन कैसा गया। आज हुआ बहुत सारा शॉपिंग, मूवी, उसके साथ साथ अच्छा अच्छा कुछ खाना पीना। और सच बताऊँ तो यार, पनीर का टेस्ट माशाल्लाह अभी भी मेरे जबान पे अटका हुआ, तो भूल नहीं सकते। इतना बढ़िया पनीर बनाया था। तो भाई अगर आप दुर्गापुर जा रहे हो तो कोहिनूर में एक बार ट्राई कर लेना यार वहाँ का। मतलब मैं पहले भी वहाँ पर खा चुका हूँ, वहाँ पर खाना बहुत ही बढ़िया मिलता है भाई साहब। और एक बात बता दूँ, ये दुर्गापुर नहीं है, ये आसानसोल है। मैं अभी आसानसोल में आ चुका हूँ। हाँ भाई, यहीं पर बजा लो सारे हॉर्न। ब्लॉग ही मत करने दो, क्यों करें हम ब्लॉग, थोड़ी हम ब्लॉगर है। और इसके बाद कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद कहानी था कि मैं आराम से ट्रेन में बैठा, घर पहुँचा, एंजॉय किया, नहाया धोया सो गया। और उसके अगले दिन फिर ब्लॉग को लेकर थोड़ा बहुत छेड़खानी की और फिर सो गया। और अगले दिन उठा, फिर जाके ब्लॉग एडिट किया और अभी तक कंप्लीट हुआ शाम को आके, और अभी अपलोड करने के लिए दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो कोई भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब मार देना अगर नया हो, और उसके बाद आपको फॉर्मेट्स मालूम है। और एक स्पेशल बात, मुझे ऐसा ब्लैक बैकग्राउंड में वीडियो करना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें आपका खुद का इमेजिनेशन काम करेगा, क्योंकि आप आंखें बंद करके जो भी चाहे सोच सकते हो। तो भाई जाओ सोचो, अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, खुश रहो बेटा, खुश रहो।